देखिए यहाँ पे खाने पीने वाला तो खैर आ गया है नया वाला बस स्टैंड में। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, आप देख रहे हैं मेंटल ब्लॉगर यूट्यूब चैनल में आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट मेंटल लाइफ। तो चलिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ब्लॉग बनाते हैं जो पटना में न्यू बस स्टैंड बनाया है उसका कभी गए ही नहीं है कि ब्लॉग बना पाए, आज चलते हैं ब्लॉग बनाते हैं कैसा है वहाँ पे, क्या चीज है क्या नहीं है, सारी चीज हम बताएंगे ब्लॉग में। तो ब्लॉग आप देखते रहिएगा, थोड़ा बहुत पटना घूमेंगे वो भी आपको घुमाते हैं। चलिए पटना घूमिए, बहुत ज्यादा दिन बाद हम आपको घुमा रहे हैं। अगर कुछ खाना खाएंगे तो सिर्फ खाएंगे क्योंकि हम ला थोड़ी सकते हैं भाई वीडियो में, ठीक है, तो घुमा सकते हैं लेकिन और अच्छा से घुमाएंगे और मीरापुर बस स्टैंड भी आपको अच्छा से दिखाएंगे, समझा देंगे कि कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। हमारा ब्लॉग देखिएगा, कोई भी चैनल पर से ब्लॉग उठा के देख लीजिए, जितना ब्लॉग किया सब मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं किसी में इन्फॉर्मेशन ना दूं। तो यहाँ से उठते हैं निकलते हैं बाहर मिलते हैं, उसके बाद जो होगा जैसा होगा फिर यहीं पे आकर लास्ट में खत्म करेंगे। इंपॉर्टेंट बात, जो भाई हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, आकर वहाँ पर फॉलो कर लो। ये ब्लॉग बहुत लेट जाता है, हफ्ता हफ्ता दिन बाद भाई ब्लॉग जाता है और वहाँ पे तो सबसे पहले ही पता चल जाता है, ठीक है, और वहाँ पे बहुत ज्यादा अपडेट रखते हैं। आपको कोई भी सुझाव कोई भी क्वेश्चन या जो भी हो आप हमको वहाँ पे कॉल कर रहे हैं, फोकस प्रॉब्लम कर रहा है, आप वहाँ पे हमको डीएम कर रहे हैं, सबको रिप्लाई मिलेगा। तो हम आप यहाँ से निकल के मिलते हैं। पीएनएम मॉल अब इसके पीछे जो वीडियो देखे होंगे ना वहाँ से समझ जाइएगा कि मंडे थर्सडे और एक साइड सैटरडे को ही चालू रहता है, ऐसे पीएनएम मॉल बंद है चल नहीं है। और हमारे पीछे देखा है लोयला स्कूल, तो देखते हैं कुछ आए थे खाने पीने, खाए नहीं है, ठीक है, सुबह से तो सोच रहे हैं और टाइमिंग हो गया लगभग 4 बजे सुबह से, वही नाश्ता किया थे खाना नहीं खाए, तब देखते हैं अब क्या करते हैं। सोचा काफ़ी समय बाद लगभग 2.5 साल बाद आए पीएनएम में और पीएनएम भी बंद था। चंपारण मीट हाउस में, तो ये चंपारण मीट हाउस है आपका यहाँ पे का कुर्जी मोड़ पर का नहीं है, पाटलिपुत्र पीएनएम मॉल के सामने है, पाटलिपुत्रा गोलंबर से जैसे आगे बढ़िएगा वहाँ पे आप हमारे पीछे देख रहे हैं ना, खाने आए थे वहाँ पे, खाए यहाँ पे, लेकिन अगर दोनों का टेस्ट की बात करें ना वहाँ पे नहीं बताए तो टेस्ट ना नो डाउट हमको ना उसका भी खराब टेस्ट नहीं बोल रहे हैं वो चंपारण मीट हाउस का भाई, तो और ना इनका भी, लेकिन टेस्ट का एक होता है ना वन ऑफ द बेस्ट इसे बोलेंगे, उसे बेस्ट बोलेंगे क्योंकि इसका भी भाई बेस्ट टेस्ट है। अगर आपको यह खाना होना तो आइएगा, ठीक है, पेड प्रमोशन नहीं है भाई, ऐसे बोल दे रहे हो कि देखो जो मुझे अच्छा लगता है ना मैं उसको प्रमोट कर देता हूँ भाई, तो सच में बहुत मस्त खाना है और मटन चावल मतलब वन ऑफ द बेस्ट, और मटन चावल का है वन ऑफ द बेस्ट मटन चावल था यहाँ पे, आप भी यहाँ पे आइएगा अगर वहाँ पे खा लिया ना, तो एक बार यहाँ आना खाना, और जो भाई खा लिया ना वो ज़रा कमेंट करके बताना। अब यहाँ से खाना खा लिए मस्त, अब यहाँ से चलते हैं, अब जहाँ चलते हैं वहाँ हम आपको दिखाते हैं। काम तो इससे पहले बहुत कुछ हुआ पर कुछ खास काम नहीं होगा जो आपको दिखा सकेगा। अभी खड़े हैं पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, पटना जंक्शन बहुत दिखाते हैं, ठीक है, पीछे हमारे पटना जंक्शन, अब यहाँ से चलते हैं न्यू वाला बस स्टेशन पे, और न्यू वाला बस स्टेशन पे ये बात है ना कि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए उसको सोचे कि उसको एक्सप्लोर मिलाते हैं, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के मिलते हैं और फिर वहाँ से बताते हैं कि वहाँ क्या सीन आपको समझाते हैं, क्योंकि अभी न्यू बस स्टैंड का हम कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, तो चलते हैं मिलते हैं आपको न्यू बस स्टैंड पे। अब वहाँ से मीठापुर से आपको सारा चीज़ ओपिनियन अपना देंगे, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा लेट देंगे क्योंकि बहुत सारा कुछ इसमें प्रॉब्लम हुआ। ये बाईपास है यहाँ पर, इसका क्या नाम है, बैरिया बस स्टैंड है, ठीक है, हमारे पीछे है, ठीक है, और यहाँ ये का नाम क्या, गाया मोड़ ये बस स्टैंड का नाम है गाया मोड़, और यहाँ ATM नहीं है, और फिलहाल में आइएगा ना तो पुल के नीचे ये भाई मिलेंगे, ठीक है, इनसे पैसा ले लीजिएगा, नंबर है इन्हीं के पास, अभी बता रहे क्योंकि अभी ATM यहाँ पे है नहीं, क्योंकि हमको भी इन्हीं भाई से लेना पड़ा, तो ये ऐसा रहा हमारे पीछे, यहीं पर आपको लाकर ऑटो वाला उतारेगा यहीं पे, और पीछे हमारे बस स्टैंड है, हमको भी नहीं पता है बस का कहाँ से मिलेगा, तो टाइम मात्र 20 मिनट बचा हुआ है, बस ढूंढते हैं उसके बाद से मिलते हैं। देखिए यहाँ पे खाने पीने वाला तो खैर आ गया है नया वाला बस स्टैंड में, पर अभी भी यहाँ पर बहुत कुछ चाहिए, एक तो खैर सिटी से दूर हो गया, चलो वो समझ में आता है, बस वहाँ पे बस स्टैंड था ना तो बस एक ही चीज़ से मुझे बेकार लगता था कि बरसात के दिन में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, बरसात में हम कभी ब्लॉग नहीं किए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हम परेशानी उठाए हैं बरसात में, और न्यू बस स्टैंड में यही है कि इसको पिच करके बनाया है, तो देखते हैं यही है न्यू बस स्टैंड में अच्छा ही, बाकी यहाँ हमको अपना पूछे तो मेरे लिए वहाँ बेस्ट था बस, अगर ये ठीक रहता तो ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा दूर है, ये खराब नहीं है, ऐसे खराब नहीं बोल रहे भाई, ये ठीक है बहुत अच्छा है पर ना बहुत दूर है, और यहाँ पे ना सबसे अच्छा चीज़
सबसे मेन चीज यहाँ एटीएम का इंतजाम कराना चाहिए। मीठापुर में बहुत सारा एटीएम है पर यहाँ एक भी एटीएम नहीं है, और छोटा मोटा खाने पीने वाला बड़ा कोई खाने पीने वाला भी नहीं है। अब हम आपको बताते हैं अच्छी से, बात यह है कि मीठापुर बस स्टैंड में कोई भी आपको बिहार में कहीं जाना हो ना तो मीठापुर बस स्टैंड से बस नहीं मिलेगा। बिहार में ही नहीं, जहाँ जहाँ भी आपको जाना हो, मतलब समझ लीजिए मीठापुर पार्मामेंटली क्लोज हो चुका है, तो आपके लिए उसके अलावा आना होगा बरिया या ऐसा ही कुछ नाम है, स्क्रीन पर लिखते होंगे, एग्जैक्टली नाम हमको भी नहीं पता क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम आए। ठीक है, तो आप यहाँ आइएगा। कोई भी ब्लॉगर कोई भी यूट्यूबर अच्छा से बताया नहीं है कि कैसे आना कैसे जाना। अगर आपको बोलते हैं बस वाला जीरो माइल उतर जाइए, तो वहाँ पे आपको उतर के कॉर्नर पे वेट करना होगा, वहाँ से एटलीस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर बस स्टॉप पे, और वो जो जीरो माइल है वो बस का एग्जिट पॉइंट है, बस वहीं से निकलती है। पर एग्जैक्टली बस स्टैंड बरिया या बलिया ऐसे कुछ करके है, बलिया नहीं है, बरिया बैरिया शायद बैरिया है शायद बैरिया, पर एग्जैक्टली जो होगा अभी आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो करता होगा, तो वहाँ पे आप चले जाइए। और उसके लिए आपको ऑटो मिलेगा पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से। पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से जीरो माइल का किराया 40 रुपया है, और बरिया बस स्टैंड या बलिया बस स्टैंड का किराया 50 रुपया है। ठीक है, तो एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, डिस्प्ले पर लिखते होंगे। ठीक है, इसके लिए ना बोलिएगा कि भाई प्रॉपर नाम नहीं बताया क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम है, इसलिए डिस्प्ले पर नाम शो करता होगा। तो आप वहाँ चले जाइएगा, वहाँ से आपको बस मिल जाएगा, और जैसे ही आप जीरो माइल आ जाइएगा, जीरो माइल कॉर्नर से ही बस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप वहाँ से आपको जहाँ जाना हो आप वहाँ से पूछ लीजिएगा, वहाँ पर भी कुछ बसें हैं, जैसे बनारस हो गया, सासाराम हो गया, वहाँ से भी बसें वहाँ से निकल रही है। कुछ बस ऐसी है जो कि वहाँ पे है, क्या बोलते हैं, बरिया या बलिया बस स्टैंड में। तो हम थोड़ा पैदल गए, देख रहे हैं हालत, मतलब फर्स्ट टाइम कहीं भी प्रॉब्लम होता ही है, तो उतना प्रॉब्लम फेस किया। फाइनली बस मिल गया, फाइनली बस अभी यहाँ से निकला है। बस स्टैंड यहाँ पर अगर बात करें ये बस स्टैंड का, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ टाइम लगेगा इसके, क्या बोलते हैं, ज़्यादा पहले मीठापुर के होने के लिए, क्योंकि ये तो पहले कुछ ज़्यादा लोग जान गए होंगे, पर जो पहले जो न्यूज़ नहीं देखते उनको क्या पता। तो मीठापुर बस स्टैंड से यही एक चीज़ मिली है, अच्छा है कि यहाँ पे जो रोड, आपको दिन में हम एक ब्लॉग बनाएंगे उसमें दिखा देंगे कि यहाँ पे बारिश के दिन में मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता था बारिश के दिन में, मतलब वहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता था। तो इसी चीज़ में ये बस स्टैंड बेटर है। बाकी अगर डिस्टेंस वाइज बात करें सिटी से, तो ये डिस्टेंस वाइज बहुत ज़्यादा दूरी पर पड़ जा रहा है वहाँ से, एटलीस्ट नहीं तो मीठापुर से इसका तकरीबन दूरी 3 से 4 किलोमीटर होना चाहिए, एग्जैक्टली हमको भी पता नहीं है, पर 3 से 4 किलोमीटर एग्जैक्टली दूरी वहाँ से इसका होगा, तो यही थोड़ा दूर पड़ जा रहा है। और बात करें अभी इधर एटीएम नहीं है, रहने का एक दो होटल अभी न्यू खुल रहा है, खाने पीने का भी एक दो होटल खुल रहा है, और जैसे स्टॉल जो लगता था वो सारा स्टॉल है यहाँ पे, तो ऐसे होटल अब धीरे धीरे खुल रहा है, तो धीरे धीरे बन जाएगा। अभी नया बस स्टैंड है यहाँ, तो सबसे मैंने एटीएम और फिर रहने का फिर खाने का, ये तीन चीज़ यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, जो वहाँ था यहाँ नहीं अभी, तो अभी धीरे धीरे हो रहा है, वो भी हो जाएगा। तो इतना कुछ था इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ हम आपको ब्लॉग में बता दिए। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको ब्लॉग काफी अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। रात था, बस निकलने वाली थी, ज्यादा कुछ समझा नहीं पाए, पर जितना डिटेल दिया उतना काफी अभी आपके जाने के लिए। आप आराम से पटना जंक्शन से ऑटो कीजिएगा, अगर आपको जहाँ पे हम दिखाए थे, जहाँ पैसा लिए थे, जो मॉर्निंग है जीरो माइल अगर आप उतरिएगा तो वहां तक 40 रुपया लगेगा, और एग्जैक्टली बस स्टैंड में जाइएगा तो वहां तक 50 रुपया लगेगा। और अभी बस स्टैंड की सुविधा की बात करें, तो अभी सबसे एटीएम हो गया, एक एटीएम, होटल, रेस्टोरेंट और वाशरूम का, ये चार चीज हमारे देखने से क्या अभी वहाँ नहीं है, इसका ये हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये चारों चीज बहुत ज्यादा मायने रखते हैं बस स्टैंड पे। तो न्यू बस स्टैंड है, धीरे धीरे वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें मीठापुर के, हमारा ओपिनियन कि भाई हमको मीठापुर बेस्ट था, ये वो बेस्ट था, हमारा बेस्ट ये भी था, ये भी है, वही सोचिएगा कहना क्या चाहते हो। कहना ये चाहते हैं कि डिस्टेंस वाइज मीठापुर सही था, और वहां पे देखा जाए तो बरसात में मीठापुर में काफी ज्यादा दिक्कत होता था, ठीक है, इसलिए वो ठीक है, क्योंकि वो बरसात में बहुत ज्यादा वहां पे कीचड़ ये सब होता था, तो उससे अच्छा वहां पे है, क्योंकि वहां पे कीचड़ पार्क नहीं होगा, वहां पे अच्छा बना दिया गया। और एक ब्लॉग प्रॉपर बस स्टैंड का बनाएंगे, मतलब एकदम अच्छा सा दिखा करके कैसा बनाया गया है, क्या है क्या नहीं है, सारा चीज उसमें बताएंगे। इसमें तो ये हम आपको समझा दिए कैसे आए कैसे जाए। और अभी अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं बस स्टैंड पे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट बस अगर 10 बजे खुलने वाली हो तो आप 9 बजे 8:30 तक भी पहुंचे, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम जाइएगा ना, एक तो काफी ज्यादा क्राउड है और काफी ज्यादा ढूंढना पड़ रहा है बस को, क्योंकि कहाँ स्टैंड है क्या है कोई जानते नहीं है, हम बोलेंगे कि आप पहले जाए। तो मिलते हैं आपको एक तड़कते भड़कते कमाल की वीडियो में।